नवरात्रों के समापन पर दशहरे को मनाने की तैयारी चारों तरफ शुरू हो जाती है और हर साल की तरह खुले मैदान में रावण और उसके भाइयों के पुतले जलाकर हम आनंद लेते हैं परंतु क्या कभी आपने ये विचार करने का प्रयास किया महाज्ञानी विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता साहित्य संगीत और कला में निपुण नीति राजनीति और कूटनीति का ज्ञान रखने वाला भगवान शिव का महान उपासक उस रावण का ऐसा अंत क्यों हुआ दरअसल बच्चों इंसान के सभी गुण धूमिल पड़ जाते हैं जब उसका अहंकार प्रबल हो जाता है अहंकार धीरे धीरे क्रोध में परिवर्तित होता है और इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है और रावण के साथ भी यही हुआ वो कथा मुझे याद कराने की जरूरत नहीं राम जन्म से लेकर रावण की मृत्यु तक सब कुछ आप रामायण जानते हैं सबने इसको पढ़ा है परंतु मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अब समय है जब हम स्वयं को शिक्षित करें इन त्योहारों को मनाना और उनके भावों को समझने का प्रयास करें हर त्योहार हमें बुराई का त्याग करने और अच्छाई को अपनाने की प्रेरणा देता है और आज मेरे साथ मेरे मित्र मिस्टर नरेश हांडा जी हैं जिनके साथ हम वार्तालाप करेंगे और उस दृश्य को अंकित करने का प्रयास करेंगे जब राम के द्वारा प्रेरित करने पर लक्ष्मण रावण से उसके जीवन का अनुभव सीखने के लिए गया जब रावण मरणासन था अंतिम सांसे ले रहा था तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है जाओ उससे उसके जीवन की शिक्षा लो तब लक्ष्मण कैसे उनसे शिक्षा लेते हैं मैं यही बात अपने मित्र से पूछना चाहूंगी जी जरूर बहुत बहुत नमस्कार गांधी मैम और हमारे सभी बच्चों को भी नमस्कार बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है जी जैसा आपने बताया कि भगवान राम ने ताकीद की और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण के पास जाएं और उनसे कुछ शिक्षा लें तो राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए लक्ष्मण काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे लेकिन रावण ने उससे कुछ नहीं कहा इसके बाद लक्ष्मण वापिस लौट आए और प्रभु राम से सारी कथा सुना दी भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए ना कि उसके सर के पास यानी हमें यह शिक्षा दे दी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है एक विजयी की भांति यदि सिरहाने खड़े रहोगे तो कुछ नहीं ले पाओगे अगर सीखना है तो विनम्र होकर चरणों के पास आ जाइए बेशक और यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी का कार्य करती है सबसे पहली जो बात रावण ने लक्ष्मण को सुझाई सुभष शीघ्रम अर्थात शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए और इसके अलावा एक बात और भी बताई कि अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उतना टालिए निश्चित रूप से कबीर के विचार भी यही है ना कल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी करेगा कब बहुत खूब बहुत खूब और दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई शत्रु छोटा नहीं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को खुद से छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए रावण ने स्वीकारा कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी रावण ने वानर और भालू सेना को कमतर आंका और अपना सब कुछ नष्ट कर दिया यानी हमें यह समझ कर चलना चाहिए कि हम सबसे ताकतवर नहीं हैं। कोई हो भी सकता है जो हम पर भारी पड़ जाए इसलिए निश्चित रूप से यदि शत्रुता किसी से हो तो उसके सभी पहलुओं को जांचना चाहिए और यह भी तो कहते हैं ना गांधी मैम कि अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है निश्चित रूप से और तीसरा जो महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया कि अपने रहस्य को किसी को भी नहीं बताना चाहिए रावण ने दृष्टांत दिया कि मेरे मृत्यु से जुड़ा रहस्य सिर्फ मेरे भाई विभीषण को मालूम था और अगर ये मैंने अपना रहस्य अपने भाई को ना बताया होता तो शायद मैं आज इस मृत्युशैया पर ना होता आपने ठीक फरमाया वाकई कितना उचित ज्ञान है अगर अपना रहस्य हम ना समेट सके तो कोई दूसरा कैसे समेटेगा अपने हृदय की बात कभी नहीं खोलनी चाहिए और ये जो कहावत है सचमुच कितनी सही है घर का भेदी लंका ढाए और लंका पति की ये स्थिति केवल इसीलिए आई कि उसने अपने भेद को अपने भाइयों पर खोल दिया था वरना रावण तो अजय था उसको जीतना बहुत मुश्किल था बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और हमारे सभी बच्चों और सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और दशहरे के पर्व की शुभकामनाएं सभी को हमारी ओर से तो मैं उम्मीद करती हूं मेरे सभी विद्यार्थी इस बात को समझ रहे होंगे कि रावण की वो सीख केवल लक्ष्मण के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है एक जीवन जांच है जीवन जीने का तरीका है उसकी इस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वरना हमारे मनाए गए ये दशहरे मात्र एक मेले का आयोजन से अधिक कुछ भी नहीं होंगे इसी के साथ हम अपना वार्तालाप समाप्त करते हैं आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जय श्री राम